हेलो मैडम, आपका ऑर्डर ये लीजिए। हाँ, और ये आपका बिल। अच्छा, एक मिनट। हाँ ठीक। हेलो, अनियन रायता बना रही हूँ। अच्छा, मेन कोर्स चिकन बिरयानी और मटन फ्राई। मैडम, मटन बिरयानी चिकन फ्राई? अरे नहीं 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 नहीं, मटन बिरयानी और चिकन फ्राई आप बस एक बार चख के देखिए, सब कुछ भूल जाएंगे आप, इतना लाजवाब बना है। आपको हैदराबादी बिरयानी का टेस्ट याद है ना? बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है इसका भी। हाँ ठीक है, मैं रखती हूँ। हाँ बाय। हस्बैंड थे एक्चुअली, कल मैंने अपने फेवरेट टीवी सीरियल का एपिसोड मिस कर दिया था, तो आज रिपीट टेलीकास्ट देखने वाली हूँ, इसलिए ऑर्डर कर लिया। मैडम, जब से ऑनलाइन खाना मिलने लग गया है लेडीज को, तब से आराम हो गया है। सवेरे उठकर इतनी गर्मी में पहले मार्केट जाओ, फिर सब्जी काटो, उसे पकाओ, चपाती बनाओ, अलग से राइस भी बनाओ। घर के बाकी कामों को करने के बाद लेडीज की हालत खस्ता हो जाती है, पकाने वाले की भूख मर जाती है। ऑनलाइन फूड वुमेन इम्प्रूवमेंट है और आप इसकी हकदार हैं। और एक खास बात और मैडम, जब आपके पति आपके साथ बैठ करके इतना लजीज खाना खाएंगे तो आपके और बड़े फैन हो जाएंगे मैडम। थैंक यू मैडम, एंजॉय योर फूड। क्या पढ़ाई कर रहे हो? इंजीनियरिंग भैया। और पढ़ाई के बाद? ऑफ कोर्स नौकरी करूंगा। ये जॉब नहीं है क्या? परमानेंट जॉब की तो बात ही अलग है सर। मतलब तो पगार उठाने से है ना, चार साल क्यों बेकार में मेहनत करनी है? ये डिग्री विग्री भूल जाओ यार, ये सब फालतू का टाइम वेस्ट है। मुझे देखना क्या हाल हो गया है? मतलब आपने भी इंजीनियरिंग की है? ए भाई, मैं शुगर पेशेंट हूँ यार, ज्यादा देर मैं भूखा नहीं रह सकता हूँ, चलो कुछ खाना खाते हैं। सही कहा, शुगर पेशेंट है, इसे भूखा रखा तो पाप लगेगा। टिप्पी निकालो भाई। कुछ बता रहे थे, कौन सी डिग्री ली आपने? तुझे लाइफ में क्या बनना है? इंजीनियर, और क्या? मुन्ना भाई की तरह कोई मुझे भी नकल करवाता ना, तो मैं भी बन जाता। ओ, नकल करके पास हुए हैं, गजब हो भैया। नकल नहीं, इंस्पिरेशन कहते हैं इसे, याद रखना। क्यों भाई, इतना लेट क्यों? लेट हूँ तो क्या हुआ, मेरे आने का वेट भी नहीं कर सकता क्या? भुक्कड़ कहीं का। क्यों भाई, नया ज्वाइन किया भैया? अच्छा, आज किसी को टिप मिली या नहीं? नहीं भाई, टिप भूल जाओ यार, पगार मिल जाए यही बात है। सारा अकेले ही ढूंस ले। ये बता, तुम्हें कुछ पैसे चाहिए थे ना, उसका कहीं से जुगाड़ हुआ कि नहीं? अभी तक तो नहीं, लेकिन हाथ पैर मार रहा हूँ यार। तू बता, मामा से बात किया नहीं? कहने की जरूरत है क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ा समय लगेगा अभी। उन्हें याद दिलाते रहना। हाँ, करता हूँ करता हूँ। लगता है फिर से कोई ऑर्डर आया है। इनकी भूख ना हमें भूखा मार देती है। नंबर 33 कृष्णा रोड, माधव नगर। भाई ये तो तेरे लिए है। अरे यार, ओवर एक्टिंग की दुकान, मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। जा जा जा। अरे मेरा टिफिन तो देखे जा, बीबी डांटेगी मेरी, ऑर्डर के बिना ही जा रहे तू। अबे तू टांग खींचना बंद कर। अच्छा सुन, कॉलेज का टॉपर था इसलिए तुझे कुछ टिप्स दे रहा हूँ। खाए जा भैंसे। मैं शुगर पेशेंट हूँ भाई। हाँ ठूस ले ठूस ले, और मोटा हो जा। आइए मिस्टर प्रभु। क्या हो गया, मुझसे नाराज हो क्या? ज्यादा ही तफरी मारने लग गई हो तुम, खाना ऑर्डर क्यों किया? इतनी सी बात पर नाराज हो? पैसों के लिए ना सुबह से रात तक मेहनत करता हूँ। तुम ऐसा करो, बस मेहनत ही करते रहो। हाँ, आजकल तो संडे को भी तुम घर में नहीं रहते, लगता है अब मैं तुम्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम्हें देखने का मन कर रहा था, तुम्हारे साथ समय बिताने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ऑर्डर किया। जी भर के निहार लिया या नहीं, और थोड़ा सा देख लो। तुम्हें ये पता भी नहीं है ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। भगवान के लिए दोबारा ऑर्डर मत करना, ये मेरे एक हफ्ते की पगार है।
जाओ यहाँ से। सॉरी बोला ना बाबा, इस बार नहीं मानने वाली। अच्छा। I love you। पसीने की बदबू आ रही होगी। तुम्हारी मेहनत का पसीना है। रानी तेरी खातिर है, तेरा राजा तेरी नजर है, तू है रानी मेरे जिगर में, हर पल तू ही दिल के शिखर में, तुझ मेरे पास है। दस दिन में काम हो जाएगा। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, क्यों प्रभु, तूने 2 लाख का पेमेंट किया और अचानक उसके बाद गायब हो गया? भाई बताया था ना, पैसे जमा कर रहा हूँ, इंतजाम हो गया। भाई ये लीजिए बकाया रकम, इन पैसों को जुटाने में मेरी हालत पतली हो गई। अरे यार चिंता मत कर, सऊदी में काम करके तू वापस कमा लेगा। भाई आपका ही सहारा है, आज आपको पूरा पेमेंट कर दिया है। भाई इस महीने के बैच के साथ भेज दीजिए। मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, कंपनी से बात करने के बाद ही बता सकता। भाई आपने प्रॉमिस किया था मुझसे, अगर तुमने सही समय पर पैसे दिए होते तो काम हो जाता। आपकी बात सही है, ये सब मेरे हाथ में नहीं था। वैसे ही मेरी सैलरी बहुत कम है, ऊपर से वाइफ की एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, सालों से उसके लिए गहना तक नहीं खरीद पाया। अगर आप किसी तरह से मुझे करंट बैच में भेज देंगे तो लाइफ बन जाएगी, मैं सेटल हो जाऊंगा। कोई रास्ता निकालिए ना भाई। ठीक है, मैं कंपनी से बात करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, चलता हूँ।
अच्छा प्रभु, बोलिए। तूने पासपोर्ट बना लिया क्या? कब का अप्लाई कर दिया है? 8-10 दिन में आ भी जाएगा। चलता हूँ भाई। संभल कर जाना। हाँ इंदु, बोलो। हाय, कहाँ हो तुम? एजेंट के ऑफिस में आया था, बचा हुआ पेमेंट करने के लिए। क्या कहा उन्होंने? शायद इस महीने निकल जाऊंगा, देखते हैं क्या होता है। अच्छा सुनो, साथ में लंच कर सकते हैं क्या? लंच? ये क्या सूची है तुम्हें? तुम्हें एक बात बतानी थी। ऐसे नहीं, तुम आओगे तब बताऊंगी। अच्छा ठीक है, कहाँ मिलना है? मेरे ऑफिस के पास एक रेस्टोरेंट है ना, वहीं मिलते हैं। ओके हनी, बाय। ए सुनो प्रभु। अब क्या हुआ? आई लव यू। यही कहना था ना? ए तुम नहीं बोलोगे क्या? है पर फोन पे नहीं बोलूंगा, मिलके बोलूंगा। बाय। ठीक है, बाय। मुझसे मिलने आए हो या फूड डिलीवरी के लिए आए हो? ओह सॉरी। क्या हुआ, टेंशन में हो? यूएस से लैंडलॉर्ड का कॉल आया था, इंडिया आ रहा है वो। 3 महीने के लिए घर खाली करना होगा। एक दिन तो होना ही था, टेंशन क्या लेना, नया घर देख लेंगे। अच्छा आज ये लंच का प्रोग्राम कैसे है? फूड ऑर्डर सर। बताओ क्या मूड है मैडम का? जो तुम मंगवाओगे वो। चाइनीज मिलेगा ना? जी सर। एक चिकन फ्राइड राइस, एक चिकन नूडल, दोनों स्पाइसी रखना। ओके सर। ए स्पाइसी नहीं है। ठीक है, राइस स्पाइसी मत बनाना, नूडल स्पाइसी चलेगा। ओके सर। क्या बात है, तीखे से कब से प्रॉब्लम होने लग गई? अब कुछ महीनों तक यही होगा। क्यों? मुझे तो तीखा पसंद है, पर हमारे बच्चे के लिए अभी तीखा खाना ठीक नहीं होगा ना। क्या कहा तुमने? तुम पापा बनने वाले हो, समझे? अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऑफिस जाने से पहले मैं डॉक्टर के पास गई थी, तब पता चला। ये कोई जगह है ऐसी बात बताने के लिए? अचानक से उदास क्यों हो गई? कुछ नहीं, मम्मी की याद आ गई। मेरे पैदा होते वक्त वो भी तो इतनी ही खुश हुई होंगी ना। उनसे मिलने का मन कर रहा है? आज शाम ले चलूंगा तुम्हें। ए, मुझे नहीं जाना। तुम सब भूल गए हो क्या, हमारी शादी रुकवाने के लिए उन्होंने कितनी कोशिश की थी। उन्होंने तो कभी ये पूछने के लिए भी फोन नहीं किया कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं। तो हमें वहाँ जाने की क्या जरूरत, अब हमें बस एक दूसरे के साथ ही खुश रहना है। उन्हें अगर हमसे मिलना होगा तो वो खुद आ जाएंगे। सर बिल मेरी तरफ से। ठीक है, ओके, शाम को तुम्हें पिकअप करने आऊंगा। पक्का आओगे ना? भरोसा नहीं होता तो मेरे साथ कैसे रहती? तो 8:30 तक आ जाओगे? मैं शॉप 8:15 पर पहुंच जाऊंगा। ओके चलो तुम्हें ऑफिस ड्रॉप कर देता हूँ। अरे बगल वाली गली में ही तो ऑफिस है, वहाँ बाइक से ड्रॉप करोगे? कहो तो गोद में उठा के ले चलूं। ये काम तो तुम बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल पागल हो। हे आराम से, जल्दी क्या है, थोड़ा धीरे से। इतना भी मत डरो। हाँ
अब तक गए नहीं? मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, तुम जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, चलो बाय। बाय। इंदू कहाँ हो? ए, दरवाजा खुला छोड़ के तुम ऊपर क्या कर रही हो? मैंने फोन नहीं उठाया इसलिए गुस्से में हो। ये कोई बात हुई? इतनी छोटी सी बात पे रुट गई? कूल डाउन मोहतरमा। रो क्यों रही हो तुम? ए, क्या बात हो गई? क्या हुआ बताओ ना, क्या हुआ? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? बताओ ना क्या हुआ। प्लीज भैया। ए, अपना बैग पकड़ा मुझे। नहीं प्लीज भैया। बैग देना। प्लीज नहीं। देख कितना माल है इसमें। चल ले गहने उधर। प्लीज जाने दो ना भैया। डायरी है क्या? प्लीज जाने दो। ए, मैं उतारू क्या? निकाल देती हूँ। जल्दी करना, जल्दी कर। ये तो नकली है बे। वो कंगन उतार, उतार उतार, जल्दी उतार। छे, ये भी भंगार है। ये क्या है? अंगूठी दे। ईड़ा बना रही है क्या? ए, ये तो असली है ना, दिखा मेरे को। छोड़ दो भैया प्लीज। सुनता नहीं है क्या तेरे को? मेरी शादी की चेन है। दूसरा दिला देगा ना? निकाल, देती है कि गला काटो। निकाल। ए, टाइम खोटी मत कर भैया, जल्दी उतार। टाइम खोटी मत कर। अपना पति ने दी थी। चल दे दे दे। भूल जाओ चेन को, तुम तो ठीक हो ना? सिर्फ चेन की बात नहीं है तो फिर क्या बात है? ए चल जल्दी कर। ए आके बैठना। ए चल बे। आए अपन इसको गले लगा ले क्या? Please,
मेरी थी, मुझे वहीं तुम्हारे आने तक वेट करना चाहिए था। बेकार की बात है ये, मेरी वजह से हुआ है, मैं ही लेट पहुंचा। नहीं मेरी गलती है, चुप हो जाओ। मुझे वहीं रुकना चाहिए था। प्लीज। सर आप अचानक से बाइक के सामने क्यों आ गए, कहीं आपको चोट लग जाती तो? मैं सामने आ गया, चल गाड़ी को साइड में लगा और उधर आ जा, मेरे को चलना सिखाएगा। सर सर सॉरी सर, पेपर्स निकाल, इंश्योरेंस सर रिन्यू करना भूल गया था सर। छोड़ो गीजा बेटा, बहाना ही है, कहीं तरी नवीन विचार कर रही। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। किधर काम करता है तू? आईटी सर। अरे तुम लोग सॉलिड पगार उठाते हो आईटी वाले, इंश्योरेंस करवाने को भी नहीं होता क्या तुमको? का ध्यान नहीं रहा सर। आता ठोलो तुला, शेंडी लगा रहा है मेरे को। एक काम कर, तू अभी 3,000 निकाल और अपनी बाइक लेके चला जा, अगर चलान काटेगा ना तो 5,000 का फटका लगेगा। सर 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 मेरी वाइफ के ऑफिस से आते वक्त 3 लोगों ने उसकी चेन छीन ली, मैं उन्हें ढूंढने निकला था इसलिए थोड़ी टेंशन में आपसे टकरा गया। किधर से लाते हो रही है बहाने? चेन चोरी हो गई, मोबाइल चोरी हो गया, थोड़ी जल्दी में था। जा जा कागज लेके आ गाड़ी के। क्या कहा उन्होंने? बाइक के पेपर्स चेक करने के लिए कह रहे हैं। सॉरी सर, सॉरी सर, प्रॉमिस सर, सर मैं कल रिन्यू करवा लूंगा सर, सॉरी सर, प्लीज। ओ हीरो, और भी काम है मेरे को, तू बता क्या करने का है? सर बस आज माफ कर दीजिए ना। क्या? मैं कैसे बताऊं सर? अरे एक बात कितनी बार बताऊं? सॉरी सर। जेब में कितना रोकड़ा है? सर इस वक्त तो 100-200 ही होंगे। हाँ तो कोर्ट जाके छुड़ा लेना, ये गाड़ी जब्त कर रही इसकी। सर सर क्या है? शायद 300 तक निकल आएंगे सर। सुनो तुम अच्छे से बात करना। हाँ, ठीक से बात कर रहा हूँ, टेंशन मत लो। तू मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा है क्या? नहीं, क्या मेरा ऑन है तेरा? नहीं सर। बड़ा बेकार खिलो नहीं रही है, एक दिन हमारी नौकरी ना छीन ली है। सर आप क्या रह गया रही? 200 है सर। क्या 200 ही निकले सर? मस्करी कर रहे है मेरे से? सॉरी सर, वो सर अगली दफा इस एरिया में आना मत, चल जाए, जा जा। थैंक यू सर। सर इंश्योरेंस आरसी बुक लाइसेंस। सॉरी सर जानबूझ के नहीं। वहां जाके साइड में खड़ा हो जा। सर सर अरे भाई रहा है क्या, उधर खड़ा हो जा। ए कागज ना हो तो चलान काट देना इनका, फोकट की चिक चिक नहीं चाहिए। ए रुक रुक रुक। अरे आप हो क्या, कैसे हो भाऊ? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बड़े दिन बाद दर्शन हुए आपके, बाहर से आ रहे हो क्या? हाँ वो फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी। आपका तो ऐश है, सही है भाऊ, अपनी तो हर शाम सूखी निकलती है। ठीक है चलता हूँ। आप एंजॉय करो, गुड बाय। सर सॉरी सर, आप अचानक से बाइक के सामने आ गए इसलिए ऐसा हुआ, पेपर्स देख लिया हो तो जाने दीजिए। ए क्या मतलब है तेरा, मुझे चलना नहीं आता ना? चल मान लिया नहीं आता, तू ही सिखा देना है। सर ऐसा नहीं कहा था, गाड़ी के पेपर्स दे दीजिए, लेट हो चुका है, घर जाना है सर। तुझे ही घर जाना है, हमको नहीं? सर मेरा वो मतलब नहीं था सर। तेरे से टाइम पास करने वास्ते खड़े हैं क्या इधर? सर ऐसी बात क्यों कर रहे हैं सर, मैंने आपको सारे पेपर्स दिखा दिए फिर भी आप मुझे रोक रहे हैं सर। आवाज नीचे, बहरा लगता हूँ क्या, भूल दे रहा है क्या मेरे को? सर मैं रॉन्ग साइड में नहीं था सर। ऊपर से हेलमेट नहीं पहना है क्या? तुझे रोक दिया तो पुलिस वाले को धौंस दिखाने लगा? कौन है रे तू, किसी एमएलए का रिश्तेदार है? क्यों तंग कर रहे हैं सर हमें, मैंने हेलमेट नहीं पहना है, आप चालान काटिए, मैं फाइन भर दूंगा सर। प्रभु मुझे रोक रखा है, लेट हो रहा है सर। इसकी गाड़ी रॉन्ग साइड में थी, हेलमेट भी नहीं पहना था और आरसी बुक भी नहीं है इसके पास। सर इनको आरसी बुक दी थी, ये झूठ बोल रहे हैं सर। नीचे करने का, नीचे करने का। आप बोलो क्या बात है? आरसी बुक दी थी सर। दाखवा। इसमें आरसी बुक का है रे? सर मैंने इन्हें आरसी बुक दी थी, ये झूठ बोल रहे हैं सर। ए, ये पुलिस वाला क्या झूठ बोल रहा है? ये क्या वेड़ा झाला है का, इतने से बात के लिए झूठ बोलेगा? सर, ये शक्ल से पिया हुआ लग रहा है। चल बोल, तूने पी रखी है सर, क्या? मैंने इन्हें आरसी बुक दी थी। खरा खरा बोल, तूने पी रखी है क्या? ए, अरे गपचुप का चलो उपाय, जवाब देना है। ए, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करो।
सर। भूख? सर मैंने नहीं पी है। अरे अब नहीं पी है ना तो भूख ना। पाइप बदल दीजिए मैं फूक लूंगा। काई 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 काई? किसी और के मुंह का लगा हुआ है, नया पाइप लगाइए। पहले से ही बदला हुआ है, चल भूक। मेरे सामने बदलेंगे तभी मैं फूकूंगा। ए, भूकना। सर आप इतना रूडली बात क्यों कर रहे हैं? ओ, तो तू चाहता है मैं तुझसे प्यार से बात करूं? मैं आपसे सर सर करके बात कर रहा हूं ना। सर जरा याद फूका सर, प्लीज फूकिए सर। सर आप पाइप बदल दीजिए उसके बाद फूक लूंगा। मंजे तू नहीं भूकेगा। हिंदे वो काय करे से ऐसे? शराब पी के तू रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहा था। जब तुझसे आरसी बुक मांगा तो तूने झूठ बोला कि पुलिस वाले को दिया। हेलमेट भी नहीं पहना, घर पे भूल गया ऐसा तू बोला। और सवाल पूछने पर पुलिस वाले को तू उल्टा जवाब दे रहा है। एक तो शराब पी के नाक में दम करके रखा है, इतना होने के बावजूद तू चाहता है कि हम तुझे सर करके बुलाए और साथ ही साथ हम तुझे सैल्यूट भी ठोके क्या है? बेवड़ा गई का? बेवड़ा दिखता हूं मैं? ये आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आपने मुझे पीते हुए देखा क्या? पी के अपनी वाइफ को साथ लेके जाऊंगा? भाई को सच में? शक्ल और कपड़े तो देख उस औरत के, जरूर कोई तो वैश्य होगी। क्यों शिंदे तुला बना सच वाट लेना है? तो आप इसके दलाल हैं क्या? चतर मार। सर क्या है? सर मेरे दोस्त प्रभु को आज थाने लेकर आए, उससे मिलना था। ए शिंदे कौन है ये? पता नहीं सर। नहीं पता? सर वो रात को बाइक के पेपर्स चेक करते समय जो प्रॉब्लम हुई थी वो। जिसने इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की थी वही ना? सर ऐसा नहीं था, कुछ गलतफहमी हुई थी बस। देखो इस वक्त उसे नहीं मिल सकते, अभी घर जाओ, सुबह बात सर, करेंगे। सर, सर प्लीज सर एक मिनट मिलने दो ना सर। ए, मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? सर प्लीज सर मेरा दोस्त है। ए, बात खोपड़ी में नहीं घुस रही है क्या? साफ बात गुस्से में अभी। देख एक मिनट और खड़े रहना, तुझे भी लॉकअप में डाल दूंगा, चल जा। जाना सर बस एक बार आजा, बात आजा, कर लूं आजा, तो आजा, तेरी खातिरदारी करते हैं। मैं समझ गया, चल आता हूँ सर। हाँ सर चल भाग यहाँ से, दिमाग खराब कर दिया, समय भी नहीं देखते, आया है बड़ा हितैषी बनकर।
हेलो, क्या हुआ भैया, आप वहाँ गए थे? हाँ गया था, अभी लॉकअप में है। पुलिस से बात की ना, वो उन्हें छोड़ देंगे ना? कुछ दिक्कत नहीं होगी, बस थोड़ा सा डरा कर छोड़ देंगे उसे। मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए था। तुम्हारा पुलिस स्टेशन आना ठीक नहीं है, इसलिए जानबूझकर मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाया। सुबह तक वेट करो, सब ठीक हो जाएगा। सर, मुझे मार क्यों रहे सर? इकड़े ऐकले नाही का? इधर आ। इधर आ सर, प्लीज सर, प्लीज। हरियाणा बहरा कह रे, सर 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 सॉरी सर, सर गलती हो गई सर। नहीं सर, सर हमारे ऊपर हाथ उठाएगा क्यों? वाह मुझे जसर, नहीं छोड़ेगा तुमको, मैं नहीं छोड़ेगा, तुम जरता नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा बोलेगा ना। चल 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 यहां से। सर और रिस्क मत लो सर, पहले से ही आपके ऊपर इंक्वायरीज चल रही हैं सर। कल को पोस्ट हाथ से गई तो आपकी जगह लेने को कई लोग ताक में हैं। काफी हो गया सर, प्लीज। उसने मेरे को दलाल कहा, तेरे को नहीं। सॉरी सर। काम मुझ पे छोड़ दो। हाँ हाँ हाँ, मैं साहब से बात कर लूंगा। हाँ ठीक है। तुम वहां गए ही क्यों? नमस्कार सर। सर सर नमस्ते सर। क्यों मुरारी, आजकल नाइट ड्यूटी पे हो क्या? राम सिंह की तबीयत ठीक नहीं है सर, तो उसके बदले मैं ड्यूटी पर आया हूँ। खुद ही फैसले करने लगे हो क्या, मुझसे पूछने की भी जरूरत नहीं रही? कल रात को आप बहुत टेंशन में थे ना सर। सॉरी सर। तुम्हारे बारे में सुना, तुम्हारे पास गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है ना? हाँ है सर। तो जाओ लेकर आओ। सर वो कुछ कह रहे थे शायद। और कुछ नहीं कहा। प्रभु तुम ठीक हो ना? क्या हुआ प्रभु, उन्होंने कुछ किया तो नहीं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? घबराने की जरूरत नहीं है। तो फिर? उन्होंने मुझे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया है। फिर से बुलाया है? पर किस लिए? उन्हें गाड़ी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। नहाने के बाद जाता हूँ। प्रभु उन्होंने तुम्हें मारा तो नहीं ना?
क्या दिक्कत है, उन्हें ओरिजिनल पेपर्स दिखा के अपनी बाइक उठा के ले आ। रात भर वहां रहा, डर नहीं लगा क्या? रात को तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, मुझे भी अंदर डालने की धमकी देने लगे। मुझे हाथ लगाते ना तो बताता कि मैं क्या बला हूँ, सबकी क्लास ले लेता मैं। जाने दे यार, 10 बज चुके हैं, ड्यूटी पे जाना ना, एक दिन की छुट्टी मांगी है। और वो खड़ूस पागल मैनेजर हर बात पे भड़क जाता है, बाइक मिल जाए ना तो कॉल करना मुझे। सर, गाड़ी के ओरिजिनल पेपर्स देने आया हूँ। हाँ लाओ दो। ठीक है, जाओ वहां जाकर बैठो। सर अरे कहाँ ना जाकर बैठो वहां। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, ती फाइल घेऊन माझ्याकडे आ रे। लाता हूं सर। सामने के होटल जा रहा हूँ। जा ही रहा है तो मेरे लिए बिरयानी लेते हैं। ले आऊंगा सर। सर मेरा पति पी कर आता है, मुझे बहुत मारता है सर। अपनी कंप्लेंट ऊपर चलो। रामनगर सर। क्यों भाई, खाना खाया क्या? नहीं सर, बस ऐसे ही पूछा मैंने। हाँ बराबर है, उनकी FIR ले लेना। नमस्ते सर। हाँ, कैसे हो? बढ़िया सर। चोट लगी थी, दोनों भाइयों में काफी दुश्मनी थी, सबको उठाकर यहाँ ले आए, उनका मेडिकल करवाया, तीन लोगों पर केस चलाया है। मैं यहाँ सुबह से वेट कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब से कब मिल सकता हूँ? अरे बिजी है वो, ये कोई रेलवे स्टेशन है जो टाइम टेबल के हिसाब से चलेगा? जाओ जब यहाँ पर आएंगे तब मिल लेना। ए सुना नहीं, जाकर बैठ। अरे मैंने कहा ना अच्छा होगा अगर तुम ज्यादा पैसे दे तो, है लेकर जाना आसान होगा रे। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बाय बाय। हाँ बाय। क्या चल रहा है, ड्यूटी आवर्स में गप्पे आंक रहे हो क्या? संतोष रिश्वत लेते हुए फंस गया था सर। बड़ी मुश्किल से बच पाया सर। मेरा सर में काफी दर्द है, घर में जाके मसाज करता हूँ। चल चलता हूँ मैं। सर क्या रे? मैंने गाड़ी के ओरिजिनल पेपर्स दे दिए सर। मैंने गाड़ी के ओरिजिनल पेपर्स जमा करवा दिए सर। तो फिर सॉरी सर। किस लिए रे? सर कल रात जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सो सॉरी सर। एक इंस्पेक्टर को बुरा बोलना गलत है ना। सॉरी सॉरी सर। शिंदे ऐकल का तुम्ही? मुरारी तुमने सुना क्या? ओ संतोष जी तुमने भी सुना ना? हाँ सुना सर। जरा एक बार फिर से बोलो सर।
मैंने जो कहा वो गलत था सर। और जो मैंने कहा? नहीं सर, आपने जो कहा वो गलत नहीं था। और तुमने जो कहा था वो सरासर गलत था सर। तो तू मानता है तुमने गलत कहा? हाँ सर, मैंने जो भी कहा वो बिल्कुल गलत था। मतलब मैंने जो कहा वो सही था ना? मैंने जो कहा वो सही था ना? सर मैंने पेपर्स दे दिए हैं, मुझे गाड़ी ले जाने दीजिए। अबे हरामी, एफआईआर ना लिख के गलती हो गई, तुझे गाड़ी चाहिए? ए डोले खा लिया, आगे नीचे नीचे कर। ए क्या, चल निकल इधर से, चल चल। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे तेरी बाइक ना मिले। एक नंबर के ढीले हो, जल्दी हाथ चलाओ। किसने तुम्हें बावर्ची बना दिया? कस्टमर बैठे हैं, डोसा दो उनको। बना रहा हूँ। अबे इधर क्यों रखा बे? तेरी तो। कैसे भाई, सब ठीक है ना? आइए सब बैठिए। भाई बाइक वाला मसला सॉल्व हुआ? ए चुपचाप खाना, चल बता तू क्या खाएगा? मुझे भूख नहीं है। अरे सुनो। हाँ बोलो साहब। चार डोसा दो ऑमलेट। अभी करता हूँ। देख इतना सारा अकेले नहीं खा सकता मैं। मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ए, तू भी ना यार। अरे बाइक के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे, खाना खा लो ताकि ताकत आ जाए। बड़ी गर्मी चढ़ रही है तुझे, तू अपना देख, चुपचाप खाना। भाई तुम पुलिस वालों को नहीं जानते, रात के 11 बज गए अब तक दुकान बंद नहीं की। बंद कर, जल्दी बंद कर। आ गया अपना रुतबा दिखाने। तुम लोग सब निकलो यहाँ से, चलो चलो जाओ, जल्दी आओ, निकलो यहाँ से सब। ए शक्ल क्या देख रहे, चल निकल। क्या चाहिए कुछ साहब? क्या चाहिए, क्या बनाऊं? 10 पराठा मटन करी के साथ बना था साहब। भाई 10 पराठा और मटन करी। अभी करता हूँ। देखा ना, बस 10 पराठा साथ में मटन करी, 150 का बिल है बस। इतनी ही औकात है इनकी। अरे वो कहावत सुनिए ना, हाँ वो पैसों के बीन के आगे जहरीले नाक भी नाचते हैं। ये जिसने भी लिखा होगा ना, पुलिस से उसका पाला पड़ा होगा। ऐसे ही पब्लिक को लूटते हैं ये लोग। अरे धीरे से बात करो, सुन लेगा तो बुरा हो जाएगा। 100 का पत्ता है ना तेरी जेब में, फिर ये बात मैं उसके कान में भी जाके चिल्ला सकता हूँ। बंद करो यार मजाक। एक खरी बात बोलूं, ये पुलिस वालों को दो चीजें कभी नहीं दिखनी चाहिए भाई। पहला तुम्हारे चेहरे पे डर, दूसरा तुम्हारे पास पैसे कितने। उनमें से एक भी चीज अगर नजर आ गई ना तो याद रखना तुम्हें नंगा करके छोड़ेंगे, तुम्हें पूरी तरह से निचोड़ डालेंगे। अगर पुलिस पे भारी पड़ना है ना तो सीना तान के खड़े रहो, सिर झुकाया तो काट डालेंगे। हाँ एकदम करेक्ट है साहब, ये लो। ए, एक घंटे के अंदर बंद कर देना। हाँ साहब करता हूँ साहब करता हूँ। रात ज्यादा हो गई, घर जाना। इसे पार्सल दे दिया फिर भी बकर बकर कर रहा है। देख लिया ना, 150 में बिक गया ना। इसीलिए तो देश आगे नहीं बढ़ता है। कहाँ हो तुम, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यहीं बाहर हूँ, बोलो। वो पुलिस ने क्या कहा तुमसे? उन्होंने मुझे कल फिर बुलाया है। तुम घर कब आओगे? कल आऊंगा। मुझे पता है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे थे प्रभु। कल रात को जो भी हुआ तुम उसे भुला नहीं पाए ना? उन्होंने मेरे सामने तुम्हें मारा, ये तुम्हें बहुत बुरा लगा है ना? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई और नहीं। प्लीज घर आ जाओ। इंदु रो मत, मैं कल आ जाऊंगा, तुम सो जाओ। प्रभु बस 2 दिन का टाइम दीजिए, थोड़ा सा फंसा हुआ है सर। सर हेलो 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 यार, ये ज्यादा उबाल मार रहा है, सीधा मना ही कर दिया। कहा शाम तक काम ज्वाइन नहीं किया ना, तो तुम्हें जॉब से निकाल देगा।
ए भाई एक राय दूं तुझे, वो इंस्पेक्टर बहुत भड़का हुआ यार। अच्छा होगा कि उस मनहूस पुलिस वाले से कुछ दिन के लिए दूर ही रहो। वैसे भी कौन से उसके खेत से भैंस चुराई है? भूल जा कि तेरे पास कोई बाइक थी। हे मेरा फ्रेंड बाबू है ना यूएस वाला, उसकी बाइक धूल खा रही है, उससे बात करके देखता हूँ, कुछ दिनों के लिए उसी से अपना काम चला क्या। अरे यहाँ क्यों उतर गया, क्या हुआ? तू जा। ऐसा भी क्या बोल दिया यार, दोस्त की बाइक यूज करने में क्या दिक्कत है तुझे? तुम्हारे दोस्त की बाइक ले भी ली तो उससे मेरी अपनी बाइक वापस आ जाएगी, बहुत मेहनत से खरीदी है उसे मैंने, और मेरी गलती क्या है? पुलिस स्टेशन से बाइक कैसे लानी है मुझे पता है, हर हाल में मैं ले आऊंगा। तुझा प्लीज प्रभु मेरी बात तो सुन। बोला ना तुझा, दिमाग घूम गया तेरा। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुझे तेरी बाइक ना मिले। अरे तेरी इतनी औकात की मुझे आंखें दिखाएगा, देखना अब तेरा क्या हाल करने वाला हूं। अबे जब तक तेरा बेटा अपनी पढ़ाई खत्म नहीं कर लेता ना, तब तक दारू पीना बंद कर दे, चल जा। नारायण। हाँ साहब। तेरे कितने रुपए बाकी है रे? ऐसा बोलो जैसे आप देने ही वाले हो। सर इंस्पेक्टर साहब कब आएंगे? सर आते ही होंगे, वेट कर ले। सर मैं 3 दिन से काम पर नहीं गया, मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं सर। अरे तो इसमें मैं क्या करूं, मुझसे क्या चाहता है तू? सर आप लोग में दिल नहीं है क्या? पब्लिक को आप लोगों ने मजाक समझ रखा है। बेटे दिल के बारे में बोल मत और हमें ज्ञान देने की कोशिश मत करे, तुझे पता नहीं है कि कितने पुलिस वालों के पास दिल है, सब एक जैसे नहीं होते बेटे, उनके भी घर परिवार होते हैं। किसी चोर ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की और उसे पकड़ते समय किसी ऑफिसर को गोली लग जाती है तो क्या उस ऑफिसर के पास दिल नहीं होता? परमिट के बिना इल्लीगली रेत बेचने वाले के सामने हमारा ऑफिसर अकेला खड़ा होकर उनसे लड़ा और उस लड़ाई में उसकी मौत हो गई तो क्या उस ऑफिसर में दिल नहीं होता है? चलिए भी जाने दे, बाद में लोगों की जान बचाते वक्त एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी जान गंवा दी, क्या उसमें दिल नहीं था? सुनामी, भूकंप, बिल्डिंग में आग, इसमें लोगों की जान बचाने के लिए वो लोग अपनी फैमिली तक भूल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर हैं जो दिन रात दिल से काम करते हैं। बेटे पुलिस में दिल हो या ना हो, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जिनमें दिल बिल्कुल नहीं होता है। अगर रोड पर कोई जख्मी पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए वहां पर कितने लोग पहुंचते हैं ये बता। आजकल तो बच्चे अपने माँ बाप को रास्ते पर फेंक देते हैं और खुद कुत्ते बिल्ली के साथ एसी रूम में रहते हैं। दिल एक मौसम की तरह है, हर वक्त बदलता रहता है समय के हिसाब से, तो सीखो जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती वैसे ही दिल होता है। हम लोग तुम्हारे जैसे लोगों को रोज देखते हैं इसलिए हमें इसकी आदत हो गई है। बेटे न्याय और धर्म जितना चमकीला नजर आता है उतना होता नहीं है। एक बात याद रख, कानून पैसे वालों के आगे ही झुकता है और जिनके पास नहीं है उनके लिए वो काटने वाला कुत्ता है। तो इंस्पेक्टर साहब कैसे हैं, सिर्फ दुम हिलाते हैं या काटते भी हैं? सर ये उस पुराने मर्डर केस की फाइल है, वही केस जिसमें बेटे ने अपने बाप को मार दिया था, आप साइन कर देंगे तो मैं इसे कोर्ट भिजवा दूंगा। सर आपके लिए कमिश्नर ऑफिस से फोन आया था, उन्होंने आपके मोबाइल पर फोन करने की कोशिश की लेकिन वो स्विच ऑफ आ रहा था तो उन्होंने हमें फोन किया। लिस्ट तैयार है कि नहीं ये जानने के लिए फोन किया होगा। सर वो लड़का। कौन सा लड़का? वही सर बाइक मैटर वाला। सर उस लड़के को देख के बहुत बुरा लग रहा है सर, वो 3 दिन से अपने काम पर नहीं गया, उसे डर है उसकी नौकरी ना चली जाए। अरे क्या मुरारी, कुछ माल पानी लिया क्या उससे?
देखो मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी ही इज्जत करता हूँ, उसे कायम रहने दो, जाओ अब। सर मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। सर आजकल के बच्चे छोटी बातों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं सर, अगर इसने भी कुछ ऐसा कर लिया तो आपके ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाएंगी सर। सर मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ, कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरी बात सुन लीजिए सर। सर जाने दो, सर जाने दो उसे। ओके सर। मुरारी सर, डर की वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारी कहने पर। ओके सर। बेटे मैंने इंस्पेक्टर से तुम्हारे बारे में बात की, तुम अपनी बाइक और डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो। जी। यहाँ ज्यादा देर खड़े मत रहो, निकलो यहाँ से। मोइनुद्दीन। जी सर। इसकी जो भी चीज है इसे दो, रवाना करो। ठीक है सर। चलता हूँ सर। जाओ। क्या नाम है? प्रभु सर। चलो यहाँ पर साइन करो और फोन नंबर लिखो। देखो इसमें कौन सा है, जो भी चाबी है ले लो। यही है? हाँ सर। महंगे बाइक की चाबी मत लेकर जाना। नहीं सर, मेरी बाइक की है सर। बाइक किधर है? पीछे जाकर देख लो। थैंक यू सर। हाँ बोलो इंदु, पुलिस स्टेशन से निकल रहा हूँ। हाँ बाइक ले ली है, एक घंटे में पहुँच जाऊँगा। अरे कल मैं जब जा रहा था ना वहाँ पे, तो वहाँ मिला था मेरे को यार, मैंने पैसा मांगा भी उससे, मगर वो मेरा बात माना नहीं। पैसा दे तो मना कर दिया। हाँ मैंने भी लगाया दो कान के नीचे। तू भी यार। अरे ऐसा आदमी के साथ ऐसे ही करने का। क्या देख रहे हो? पेट्रोल। पेट्रोल? अरे भाई गाड़ी का इंजन ही नहीं है। ये देख, ये तो सच में देख रहा है। है ना? अरे है है, चलो जाओ जाओ। कमाल है, ऐसे लोग आते ही रहते हैं यहाँ पे। इंजन बाकी है इस गाड़ी में। सही है सही है। हाँ सही। अरे यहाँ लोगों गाड़ी में इंजन रहता ही नहीं है। हाँ मैं हूँ ना, मैं बात कर। कहाँ जा रहा है रे? सर ने मुझे जाने के लिए कहा है। हाँ मुझे पता है, तू इधर आ। गाड़ी ले जाने की परमिशन दे दी है। बोला ना इधर आ। सर इंस्पेक्टर से बात हो गई है सर। क्या? मुझे गाड़ी ले जाने की परमिशन मिल गई। अंदर तुझे याद कर रहे हैं, चल। सर लेकिन सर। अंदर आ।
सर गाड़ी के पेपर्स वेरीफाई हो गए और आपने ही मुझे जाने के लिए कहा। सर सर गाड़ी चाहिए तुझे, गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए तेरे को, गाड़ी। कर सकता हूँ कैसा? प्लीज सर बस एक कॉल करने दे। अबे तुझे पीसीओ दिखता है ये? चुपचाप वहीं पे बैठा रहे, बड़ा आया कॉल करने वाला। अबे क्या है सर, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? वो साहब ने बुलाया आप उनको। हाँ तो पुलिस स्टेशन है, पब्लिक पार्क नहीं, बाहर बैठकर इंतजार कर। क्या सर? संतोष नमस्ते। हाँ, सर। नमस्ते नमस्ते। लगता है आज नाइट ड्यूटी है। हाँ हाँ। अपुन ने सुना अपने बेटे की शादी करवा रहे? हाँ तो क्या सर, अपुन को नहीं बुलाओगे क्या? अबे तुम्हें किस लिए बुलाऊंगा मैं? अगर तुम्हें निमंत्रण दिया तो शादी में आए सारे मेहमान अपने जेवर संभालते रह जाएंगे। सर आपको अपना कट मिल जाएगा। हाँ। क्यों, हम दोनों एक साथ चेन चोरी करते थे क्या? चल पागल कहीं का, इनकी भीड़ खाली करना यार। ठीक है ए, अंदर आ जाओ। चलो इस महीने 5 चैन 3 मोबाइल और 2 लैपटॉप्स। सर गिनती गलत है सर, 3 चैन 2 मोबाइल और 1 लैपटॉप। सर साहब सही बता रहा है, चोरी के रिपोर्ट्स में सब दिख रहा है मेरे को। सर इसमें अपन की गलती नहीं है, दूसरी एरिया के छोकरे हमारे एरिया में झोल झपाटा कर रहे हैं। हाँ। जरूर वो गिरी गैंग के लोग होंगे सर। हाँ साहब, आजकल वो अपन के एरिया में कुछ ज्यादा ही फैल रहा है, आपकी भी रिस्पेक्ट नहीं करता। अपन तो कहता है एक बार उसे बुला के कूट दो। ये अपनी बकवास कहानी ना, ऐसा ही साहब को सुनाना, तेरी रग रग जानता हूँ मैं। क्या अरे श्रवण कैमरा रेडी कर। सर क्या मामला है सर? 2 महीने पहले लक्ष्मी मंदिर से सोने के जेवर चोरी हुए, अभी तक रिकवर नहीं हुआ, तो साहब बहुत प्रेशर में है इस वक्त। ठीक है सर। सर अपुन से क्या चाहिए सीधा सीधा बताइए। मेरा ससुर है जो तुझसे कुछ लूंगा, चल पोपट की तरह बोलना शुरू कर। अपुन का नाम उत्तम है, बाप का नाम कन्हैया, माँ का नाम मीनाक्षी, बांद्रा में खोली है अपुन के। जब अपुन 10 साल का था तो गरीबी की वजह से चोरी शुरू की, फिर अपुन को बच्चों के शेल्टर होम में रखा गया, बाहर आने के बाद अपुन इस लाइन में पक्का हो गया। पिछले हफ्ते जो सांताक्रूज स्टेशन पे चैन स्नेचिंग हुई थी ना, और सबवे में जो मोबाइल छीना गया था ना, वो अपुन ने ही किया था। पुलिस के सामने अपुन ये कबूल करता है। मेरा नाम है काला। अपुन का नाम बाला है। मेरी माँ का नाम है रानी। मैंने बाप की शक्ल नहीं देखी। जिस आदमी ने मेरे बाप को मारा उस आदमी को मैंने पत्थर से पीट पीट कर मार डाला। अपन सब शेल्टर में ही दोस्त बना, तब से हर जुर्म को हम तीनों मिलकर अंजाम देते हैं। और इस हफ्ते आईसी रोड पर हमने अकेली औरत को देखा, उसकी चेन छीन ली, अगले दिन हमने 1 लैपटॉप भी चुराया था, और गंगा थिएटर के पास से 1 मोबाइल लेकर भागे। अभी अपन सारा जुर्म कबूल करता है, मानते हैं हमने गलती की है। सब कुछ हो गया क्या? हाँ सर, लेकिन जो क्राइम इन्होंने किया वो हमारी लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है। अपुन सच बोल रहे हैं साहब? तो मैं तुम्हारा यकीन करूं? नहीं नहीं सर, तुम लोग साइड में कुछ झोलझाल तो नहीं कर रहे? ऐसा कुछ नहीं कर रहे साहब। देखो तुम्हारे तरफ से पिछले महीने हमें कुछ नहीं मिला, और इस महीने भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। तुमने जो क्राइम किया है वो हमारे चार्ट से टैली नहीं हो रहा है,
तो देखो तुम लोग एक काम कर सकते हो, सर, कल सर, दोनों महीने का हिस्सा लाकर दे दो। सर, वो इतने इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है, याद रखना। सुनो, हाँ सर, इन सर, लोगों सर, को सर, हमारा नया बैंक अकाउंट नंबर दे देना। नहीं सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए साहब। कल अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो जो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया है उसका इस्तेमाल करते हुए 10 साल के लिए चुपचाप पैसे डाल दो। चलो निकलो। नमस्ते सर, जाओ, मिलते हैं सर बाद में। सही कहा ना मैं? सही कहा सर। एक बार पुलिस वालों का चक्कर लग गया ना तो जिंदगी की ऐसी तैसी हो जाए। चल गाड़ी निकाल। अरे बाप रे, ये तो वही औरत है। अच्छा हुआ इसने हमें देखा नहीं। सर, सर, इंदु, सर, इंदु, हाँ, प्रभु, ये क्या हुआ तुम्हें? इंदु, यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ नहीं आना चाहिए था तुम्हें। ये सब क्या? क्यों आई हो यहाँ? घर चली जाओ यहाँ से। इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है प्रभु? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से घर चली जाओ। सुनो बेटी, यहाँ रहना ठीक नहीं है, तुम जाओ। ये सब क्या है सर? क्या किया है आपने बताइए? तुम जाओ यहाँ से। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? बेटी, इंस्पेक्टर आते होंगे, जाओ यहाँ से। नहीं दू, वो सही कह रहे हैं, तुम जाओ, दिक्कत हो जाएगी। इंदु प्लीज, प्लीज मेरी बात मानो, तुम घर चली जाओ। प्लीज चली जाओ यहाँ से, ये अच्छी जगह नहीं है। इंदु, ये यहाँ क्या कर रही है? ए, चल निकल। सर, आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? और इन्होंने क्या गलती की है जो आपने इन्हें इस तरह से मारा है? बताइए सर। चल चल निकल यहाँ से। ए, तू गाली बस। इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या आपके अंदर? ए, मैं इसे तेरे सामने नंगा करके मारूंगा तो देखेगी क्या? देखेगी तू? चलो निकलो। आइकला नहीं के जा। एकाप, चल निकल। अब तुम्हें क्या हुआ? ए, आले बस, नीचे बैठ। अरे बैठ, नहीं सर, बैठ। चला रे, काम लगा। चलो लिस्ट बताओ। सर, कुमार, शंकर, कामराज, ये तीनों सर नाइट ड्यूटी पर हैं। शिंदे, तेरी ड्यूटी खत्म हो गई ना? हो, पर मैं लेट तक रुक जाऊंगा सर। हाँ, नाइट के राउंड के लिए कौन है? सर, आप ही हो सर। तुम ही कराई जीती सर। वो ड्यूटी तुम करोगे, जाओ सर। शिंदे, शेखर, कामराज, उनको छोड़कर बाकी सब घर जाएंगे। ओके सर। देख क्या रहा है रे? चल गया। क्या बे, तुझे भी खाना है क्या? नहीं सर। ए, जरूरत है इसकी।
इस वक्त पुलिस स्टेशन में हूँ, बात को समझ यार। हे, कुछ जरूरी काम है, बात को समझ यार, फोन रख। ए, ध्यान से, अरे बचना नहीं चाहिए, अरे ठीक से, अरे भाग भाग, रफ्तार बढ़ा, अरे मैंने तुझे वार्न किया था ना, अरे और जोर से, चल 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 चल, आगे चल, भाग 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 भाग, अरे भाग ना, अरे पढ़, अरे छोड़ उसे, नहीं मैम का बुलेट उठा, हाँ वही मारने के लिए काफी है, अरे फास्ट फास्ट, अरे बचना नहीं चाहिए तेरे को बोला ना, अरे सर पे निशाना लगाना, तू जतर, अरे मारना, अरे एक पोर की टिकट असल बग, अरे वो व्हाइट शर्ट में है ना, उसको बहुत मारूंगा मैं, अरे खोपड़ी में सटका, मार दूंगा बोला ना, मार दूंगा उसको, ए? अरे तू जा, मेरा ही पत्ता कट गया रे, डिस्टर्ब कर दिया ना मुझे, अगली बार अपना असली गेम दिखाऊंगा उन्हें मैं, देख लेना, इस गेम ने ना मुझे येड़ा करके रखा है। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं बोला, वो गेम में था ना, गेम का नाम फगजी है, पबजी जी तो है ना, अब बताइए कैसे आना हुआ? क्या सर, आपको तो पता है पुलिस वाले के पास वकील क्यों आते हैं। अरे मुझे कैसे पता होगा, आप बताइए। इनके हस्बैंड को क्यों अरेस्ट किया, जरा FIR की कॉपी दिखाएंगे। यानी कि आपने FIR फाइल नहीं की, बिना FIR दर्ज किए आप इन्हें पुलिस स्टेशन में कैसे रख सकते हैं? FIR करना आपकी ड्यूटी थी, प्रोसीजर तो यही है ना, आप खुद को समझते क्या है, अपनी निजी दुश्मनी इस तरह निकालेंगे और कोई आवाज भी नहीं उठाएगा। ए सुनो, ये मेरा पुलिस स्टेशन है, यहाँ ऊंची आवाज में बात नहीं करने का, यहाँ सिर्फ मैं चिल्लाना जानता हूँ। उसकी उम्र कम है ना, इसके लिए केस रजिस्टर नहीं किया मैंने। ए, कौन है रे बाहर? हाँ? FIR का बुक जरा लेके आओ। सर, सर इनसे कहिए ना FIR फाइल ना करें, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। FIR का बुक लाने को कहा ना? सर, सर प्लीज कंप्लेन फाइल मत कीजिए, हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा सर, सर प्लीज ऐसा मत कीजिए। डरिए मत, मैंने कहा ना, रोज ऐसी धमकियां सुनता हूँ मैं। सर, ए शिंदे, सर कुछ कीजिए ना सर, प्लीज सर, सर इन्हें रोकिए ना सर, प्लीज सर FIR फाइल मत कीजिए, प्लीज सर। चलो तुम बाहर जाओ, बाहर जाके बैठो। आप घबराइए मत, मैं बात करता हूं। अरे सर, अगर उसकी सच्चाई जानते तो मेरे साथ ऐसी बात नहीं करते। उसने क्या किया आपको पता है? हाँ बोलो, क्या काम है? सर मेरी बाइक नहीं मिल रही। तो थाने में जाओ, ये कमिश्नर का काम होता है क्या? कौन सा एरिया है? माधव नगर। माधव नगर, वहाँ पे भी एक थाना है, वहाँ जाके कंप्लेंट लिखवाओ। नहीं सर, एक्चुअली मेरी बाइक रामनगर से गायब हुई। अच्छा ये बात है, तब तो कंप्लेंट करने K11 थाना जाना चाहिए। सर एक्चुअली मेरी बाइक चोरी हुई है K11 पुलिस स्टेशन से, इसलिए मैं यहाँ कंप्लेन लिखवाने आया हूँ वहां के इंस्पेक्टर के खिलाफ। उनका नाम है इंस्पेक्टर करमवीर। पुलिस कमिश्नर के सामने एक पुलिस वाले की शिकायत करने आ गए, इंस्पेक्टर पर चोरी का इल्जाम। वाह, आजकल की ये पीढ़ी ज्यादा ही बोल्ड हो गई है। इतनी महान राय तुम्हें किसने दी? बिना आगे पीछे सोचे इतना बड़ा कदम उठा लिया, क्या हिम्मत है भाई। सर मुझे यहाँ किसी ने आने के लिए नहीं कहा, यहाँ आना मेरा अधिकार है, प्लीज मेरी कंप्लेंट लिखिए सर। कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, तुझे अपनी बाइक ही चाहिए ना, वो तुझे मिल जाएगी, अब जाओ। और सुनो, मुझे कोई इल्म नहीं है सच में क्या हुआ और तुमने क्या किया, फिर भी मैं उससे बात करूंगा, समझ लो तुम्हारा काम हो गया, जाओ। सर अगर आपने कंप्लेंट नहीं लिखी
तो मैं यहाँ इंतजार करूंगा और कमिश्नर से शिकायत करूंगा। संपाद देगा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रभु। बैठ मेरे शेर। देख बेटा, जिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो वो मेरा बैचमेट था। वो मेरी बात मान लेगा, शायद इस वक्त गुस्से में हो, लेकिन उसे राजी कर लूंगा। तुम्हें तुम्हारी बाइक जरूर मिल जाएगी, खुश हो ना? सब मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो लोग मुझे बहुत घुमा रहे हैं। मैं फूड डिलीवरी बॉय हूँ, बिना बाइक के मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम्हारी तकलीफ अच्छी तरह से समझ रहा हूँ मैं, मुझ पर भरोसा है ना? हाँ है सर। बेफिक्र हो जाओ, शाम को गाड़ी पर बैठकर घर जाना। अब खुश, तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओ, मैं उससे पक्का बात करूंगा। ओके सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। मुरारी सर, डर के वजह से नहीं, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। ओके सर। अरे हाँ बोलो शेखर, अगले 15 मिनट में लिस्ट पहुंचा दूंगा। लिस्ट तो आती रहेगी, पर तुम्हें कंट्रोल में रखना मुश्किल हो गया है। जब देखो फोन बंद मिलता है, पुलिस स्टेशन आते हो तो नदारद रहते हो। क्यों, अंडरग्राउंड हो गए हो क्या? अच्छी खिंचाई कर लेते हो। अच्छा ये प्रभु कौन है? कमिश्नर ऑफिस में आके तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा था। क्या माजरा है ये सब? अगर ये कंप्लेंट कमिश्नर तक पहुंच जाती ना, वर्दी भी उतर जाती और तुम्हारी इज्जत भी। थोड़ा कंट्रोल में रहा करो, उस लौंडे की हिम्मत तो देखो, तुम्हारी शिकायत सीधे कमिश्नर से करने वाला था। देखो पब्लिक पहले जैसी नहीं रही, उसे जो चाहिए देख लेना और मैटर थाने में ही निपटा देना। सर क्या कहा इंस्पेक्टर ने? आपकी बात मान गया ना? चिंता वाली कोई बात नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम बाइक के डॉक्यूमेंट्स ले लो और बाइक साथ लेकर जाओ। जी ठीक है, लेकिन वो एफआईआर? एफआईआर नहीं होगी, मैंने बात कर ली है। परेशान मत हो, सर वो उन्हें छोड़ देंगे ना? हाँ छोड़ देंगे। उम्मीद है फिर से दर्शन नहीं देगा। जाना अब। थोड़ा आराम से ले जाना। हर हस्बैंड वाइफ अपनी लाइफ में अपने फ्यूचर के लिए प्लान्स बनाते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन हमारे सपने तो एक ही रात में टूट गए। Thank you.
ठीक है। क्या हुआ बताओ ना। सतीश था। हाँ। उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो। कोई और जॉब मिल जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। लग रही है। क्या खाओगे? कुछ बना है? क्या सोच रही हो? डोसा बना सकती हूँ। ठीक है। एक मिनट। हाँ प्रिया,
क्या ढूंढ रही हो? इंदु क्या हुआ? अरे कुछ बताओगी भी? चेन्नई में एक युवा को पुलिस ने बेरहमी से मारा है और इसका एक वीडियो सोशल मीडिया के सारे साइट्स जैसे कि ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक पर वायरल हो गया है। हमारे दर्शक वो वीडियो हमारे न्यूज नाउ चैनल पर देख सकते हैं। रामनगर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर करमवीर जी हमारे साथ फोन पर बने हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। नमस्ते मिस्टर करमवीर। हाँ। नमस्ते सर, आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ। आपने एक युवा को बहुत बेरहमी से मारा है, ये वीडियो वायरल हो गया है। ऐसा क्या? ऐसे क्या वजह थी जो आपने इतनी बेरहमी से उसे मारा? आखिर उसकी गलती क्या थी? ये सवाल सिर्फ हमारा ही नहीं है बल्कि उन सब लोगों का है जिन्होंने वो वीडियो देखा है। क्या आप हमें इसका कारण बता सकते हैं? बोलिए सर। देखिए मैडम, पुलिस क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होती है। एक रात को शराब पी के इस नौजवान ने पुलिस को डराया धमकाया, कानून के काम में दखल दिया, उसने सारे नियम तोड़े, हमें मजबूर किया ना मैडम कि उसे पकड़ना पड़ा। मैं कहाँ गलत हूँ? मिस्टर करमवीर, आप अपने जवाब को ठीक से समझा सकते हैं? हम इस बारे में और जानना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? एक शराबी आप जैसे लेडी को रास्ते में रोके तो आप क्या करोगी? पहले तो आप खुद उसे रोकेंगी और नहीं माना तो पुलिस स्टेशन में आके उसकी शिकायत करेंगी। बेवड़े को कैसा समझाएंगे? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हैरान मत होइए, उस वीडियो में ना प्रतिष्ठित सच्चाई नहीं है, ग्राफिक से वीडियो में काफी कुछ जोड़ दिया है और जिसने भी ये कमाल किया है ना उसको तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। अब ये मीडिया वाले टीआरपी बढ़ाने के लिए मुझे मोहरा बनाएंगे इन सब के। तुम मैं सर, कहीं ये वीडियो गले की हड्डी ना बन जाए। सर, जब आपने ये वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा उस वक्त वजह समझ नहीं आई, आपका हुक्म था तो कर दिया, एक झटके में इज्जत उतर दी, सारी दुनिया के सामने नंगा कर दिया पिल्ले को। बस मीडिया वालों का थोड़ा सा टेंशन है मुझे, और इस बात को ज्यादा तूल दे दिया तो मामला हाथ से निकल सकता है ना सर, लेकिन आपकी काबिलियत पर मुझे भरोसा है। यूनिफॉर्म पहने हुए मामूली वॉचमैन से दुनिया डरने लगती है और उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें काटेगा, ये सब सोशल मीडिया की वजह से। और थोड़ी बदनामी झेल सकता हूँ मैं, पर अपना पावर दिखाना भी जरूरी है ना। आजकल छोटे बच्चे भी मोबाइल में रहते हैं। पुलिस किसी को अगर मारती है तो जिस अपराधी को पुलिस अगर मार रही है तो उसका वीडियो बना के वायरल कर देती है, वो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पर। और जब सवाल करो तो पुलिस के खिलाफ भी चले जाते हैं, सोशल मीडिया का सहारा लेकर। तेना का नौकर वाट लो का है, इसलिए मैंने उसे एक झलक दिखलाई। पुलिस का डर ना खत्म हो रहा है शिंदे, पर इसे देखने के बाद दुनिया पुलिस से डरेगी। देख सर, वो ह्यूमन राइट्स वाले हमारे सर पर बैठ जाएंगे। एक क्रिमिनल पुलिस की तरह नहीं सोच सकता, पर एक पुलिस क्रिमिनल की तरह सोच सकती है। सर, हाँ उस वीडियो में देखा, मैंने भी देखा। अरे
प्रभु प्रभु कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। दोबारा आए तो तुम ही बात कर लेना। ठीक है। हेलो फिर से कॉल आया था क्या? हाँ आया था। कौन था? K-12 पुलिस स्टेशन से था। तुम्हें फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया है। K-12 पुलिस स्टेशन। नाम क्या है? प्रभु है मैडम। पापा का नाम? श्रवण। क्या काम करते हो? जॉब नहीं है, ढूंढ रहा हूं। ओ, एड्रेस बताओ। नंबर 33 कृष्णा स्ट्रीट माधव नगर मैडम। हाँ? नंबर 33 कृष्णा स्ट्रीट माधव नगर मैडम। पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था? जी हाँ मैडम। मैंने वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है तुम्हें। एक्चुअली मुझे वेरिफिकेशन के लिए आना चाहिए था। तुम एक काम करो, K-11 के इंस्पेक्टर करमवीर को जानते हो ना? जाओ उनसे NOC लेकर आओ। समझ गए? क्या हुआ मैडम? मेरा घर इस पुलिस स्टेशन के एरिया में आता है, तो उनसे NOC लेने का क्या मतलब है? पासपोर्ट चाहिए तो उनसे NOC लेकर आओ, नहीं तो तुम जा सकते हो। ये तो सरासर गलत है ना मैडम। हाँ? ए, खड़े हो जा। हवालात में डाल के चमड़ी उधेड़ दूंगी। अगर पब्लिक अपने हक की बात करे तो उसे बिना वजह मारने की धमकी देते हैं। तेरी तो क्या है रे? ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चल निकल यहाँ से, दफा हो जा। प्रभु तुमसे कुछ बात करनी है। ये पासपोर्ट, फॉरेन जाना, ये सब भूल जाओ। इन सब पर अब ध्यान मत दो प्लीज। अभी हमारे पास जो कुछ है बस उसी में खुश रहते हैं ना। तुम पुलिस स्टेशन मत जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रभु मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर है? क्या गलत किया है हमने? अच्छा ये बताओ, कौन सा कानून तोड़ा है मैंने? किसी का मर्डर किया है या कहीं डाका डाला है? हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को हवस का शिकार बनाया जाता है, लेकिन ये पुलिस आम पब्लिक को लूटने में लगी रहती है। उन गुंडों ने मेरी बीवी की वेडिंग चेन छीन ली। इतने से दिल नहीं भरा तो उसके साथ बदसलूकी भी की। ये सब होने के बाद भी मैं मुंह से उफ तक ना करूं? अगर कोई अपाहिज होता तो वो भी बैठ के तमाशा नहीं देखता। उन गुंडों को आजाद छोड़ के मुझे ही पुलिस स्टेशन में डाल के टॉर्चर किया। आज तक चोरों को रोकने की कोशिश की क्या उन्होंने? ड्यूटी के नाम पे रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देते हैं। कोई ऑफिस से लौट रहा होता है, कोई फिल्म देख के आ रहा होता है, तो वो उन्हें रोक के उनसे जबरदस्ती पैसे वसूलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कोई अमीर आदमी आ जाए, चाहे वो शराब पी के ही गाड़ी क्यों ना चला रहा हो, उनकी वो खुशामद करते हैं, उन्हें सैल्यूट मार के जाने देते हैं। लेकिन हमारे जैसे आम लोग बाइक पर कहीं जाते हैं तो वो हमसे बदतमीजी से बात करते हैं और कोई भी झूठा इल्जाम लगा के हमें पुलिस स्टेशन में डाल देते हैं और हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हम जैसे लोग
पुलिस वालों से परेशान होकर सुसाइड तक करने को तैयार हो जाते हैं। हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम आम पब्लिक हैं और ये लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। मैंने बहुत से लोगों को कहते सुना है कि ये एक बार जो पुलिस स्टेशन के चक्कर में फंस गया ना, तो समझ लो वो अजगर के मुंह में फंस गया। धीरे धीरे ये उसे निगल जाते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ प्रभु, जिस अजगर ने हमें जकड़ कर रखा है उसे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें निकलने में। प्लीज इस बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, मेरी बात मानो। एक बात बताओ, हम दोनों अपनी फैमिलीज के खिलाफ क्यों गए थे? ताकि खुशी खुशी जिंदगी बिता सके, है ना? मुझे पता है कि हमारी खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई है, पर हम सब ठीक कर लेंगे। हम दोनों साथ हैं ना। मेरी तरफ देखो प्रभु, देखो ना, प्लीज। क्या सोच रहे हो तुम? हाँ, मैं और क्या सोच सकता हूँ? तुम, मैं और हमारा पैदा होने वाला बच्चा। हे, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ बताओ? हुआ क्या है बताओ तो सही इंदु, बताओ ना क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम, बताओ तो सही। इंदु बताओ क्या हुआ, कुछ तो बोलो प्लीज। क्या हुआ है तुम्हें? क्या बात है, बोलो इंदु, बताओ ना। मेरा मिसकैरेज हुआ था, हमने उसे खो दिया। बच्चा नहीं रहा? ये कब हुआ? उस दिन जब टीवी पर तुम्हारा वीडियो देखा था, उस दिन मैं शॉक में थी और उसी वक्त मिसकैरेज। हमने उसे खो दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी पर तुम पहले ही इतने टेंशन में हो। अरे सर। आता गाय K-12 के इंस्पेक्टर ने आपसे मिलने के लिए कहा है। K-12 इंस्पेक्टर? किस लिए? NOC के लिए। किस चीज की? पासपोर्ट बनवाना है। किसका पासपोर्ट? मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने कहा आपसे NOC लेकर आऊं। ओहो, तो वो प्रभु तुम हो क्या? मुरारी उसे पेपर दो। ए, मैं जो बोलूं वो टेक से लिखना। फ्रॉम लिख
अपना नाम लिख और उसके नीचे एड्रेस लिख लिया ना? मैंने कुछ पूछा अभी, तू लिखना। ह्यूमन राइट्स कमीशन, न्यू दिल्ली। देख क्या रहा है, लिखना। रिस्पेक्टेड सर, मैं 10 दिसंबर 2019 को आधी रात में शराब पीकर अपनी बाइक बहुत तेज चला रहा था। रास्ते में मुझे पुलिस ने रुकने का इशारा किया, पर मैंने उनको अनदेखा किया और वहां से भागने की कोशिश की। उन्होंने मेरा पीछा किया और मुझे पकड़ लिया, और उसके बाद उन्होंने मुझसे अल्कोहल ब्रेथर एनालाइज में फूकने को कहा, और मैंने फूकने से मना कर दिया और उस मशीन को तोड़कर नीचे फेंक दिया, और उसके बाद नशे में धुत होकर इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी की। फिर भी वो लोग कुछ नहीं बोले, गलत बर्ताव के बावजूद भी वो लोग चुप रहे। फिर K11 पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के ऊपर मैंने हाथ डाला, इसीलिए इंस्पेक्टर ने मुझे बहुत मारा। एक शब्द इधर उधर नहीं चाहिए मुझे। और उसके बाद लिखना आपका विश्वसनीय, फिर साइन करके चले जाना। चल पासपोर्ट नहीं चाहिए क्या? बाहर जाना है ना? पासपोर्ट के लिए एनओसी चाहिए ना, और वो एनओसी तुझे मैं नहीं दूंगा। चल जा। Thank you.
माँ बनने वाले हो, समझे? बेवड़े कही के मैं तुम्हारी बीवी हूँ प्रभु। मैंने जो कहा वो सही था ना? अब दोबारा मत आना, चल जा। सुनो, तुम पुलिस स्टेशन मत जाना, मेरा मिसकैरेज हो गया। पीछे सर, चाबी लिखो। ओके सर। ए, इंस्पेक्टर कोमा में चला गया, तो तुम क्या कर रहे थे? सॉरी सर, हमें नहीं लगा कि ऐसा हो जाएगा। पब्लिक ने रिकॉर्डिंग तो नहीं की ना इसकी? नहीं सर, कोई नहीं था, हमने सब क्लियर कर लिया है सर। सर चाबी। सर आइए सर। ए कुमार, तूने एसीपी साहब से बात की क्या? मैंने बस उनसे बात की, 40 मिनट में वो आ जाएंगे। ठीक है, उन्हें जगह पता है ना? हाँ, उन्हें पता है सर। गिरी कहाँ है अभी? उससे बात हुई थी, उसके बेटे का बर्थडे है, केक काटने के बाद आ जाएगा। उसे सीधे स्पॉट पर आने के लिए कहो। जी सर। शटर जल्दी खोलो।
दो इसे। खड़ा करो इसे। क्यों बे, पुलिस स्टेशन में आके पुलिस वाले को मारा तूने? सर आप तो और गाड़ियां मंगाओ। ए गाड़ी की क्या जरूरत है, मेरी गाड़ी में चलो। ठीक है सर। ए मानिक सब कुछ क्लियर है ना? क्लियर है सर। इसकी कोई डिटेल्स है क्या? हाँ सर, इसका ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी है। शंकर सर वो आईडी लेकर आओ। ठीक है सर। लेकर गए हुए? हाँ आधा घंटा हो गया है उन्हें गए हुए। आते होंगे, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। सर मेरे हस्बैंड प्रभु यहाँ आए थे क्या? यहाँ कोई नहीं आया था। जाओ सर प्लीज। सर वो कल से घर नहीं आए हैं। वो कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने चली आई। मैंने कहा ना यहाँ कोई नहीं आया था। जाओ मुरारी इन्हें जाने के लिए कहो। सर 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 प्लीज सर आप तो कुछ बताइए सर प्लीज। तुम मुझसे क्या बुलवाना चाहती हो? हाँ तुम्हें पता है ना अफसोस होता है, तुम जैसे लोगों को अच्छी जिंदगी जीनी आती नहीं। अच्छी पगार लेके अपने परिवार वालों के साथ खुश रहना चाहिए, वो करने के बजाय तुम लोग तकलीफ की तरफ खुद चले आते हो, तो अंजाम क्या होगा पता है ना? अपने आसपास देखो चीजें कैसे चलती हैं, वरना तुम खुद को अपने आप फंसाओगे। जब तुम ऐसे नरक में पैर रख देते हो तो अपनी जिंदगी की खुशियां खुद खत्म कर लेते हो, कुछ कर नहीं सकते, यही जिंदगी हो गई है, तो फिर उसे झेलना ही पड़ेगा ना। हमारे बीच का संबंध भी अजीब है, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, पर कैसी सर्विस दे रहा हूं कुछ नहीं कर सकता मैं। अपनी इस पुलिस की नौकरी में मैंने बहुत कुछ देखा, कितने सारे केसेस, कितनी सारी मुसीबतें, एक से बढ़कर एक, लेकिन एक दिन मुसीबत खुद पर लाने के लिए हम एक लड़के को ले आए, उसे मार कर उसकी बेइज्जती की और धीरे धीरे उससे उसकी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली। पता नहीं उसके दिमाग पे क्या असर हुआ, उसने अपना आपा खोकर कुछ ऐसा कर दिया कि वो मारा गया। तुम्हारे पति ने मुझसे एक बार सवाल पूछा था कि तुम लोगों में इंसानियत नहीं है क्या सर, लेकिन मैंने उसे कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जिनके पास इंसानियत है। मैंने ही कहा था उसे, इतने सालों की सर्विस के बाद भी मैं बिना इंसानियत के अब भी खड़ा हूं। पता है ना जिसके पास अधिकार होता है उसके हाथ लंबे होते हैं और पब्लिक को उनके सामने झुकना ही पड़ता है, यही विधि का विधान है, लेकिन अगर इसे बदलने की कोशिश करते हो तो उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सर, आपको सच में नहीं पता वो कहाँ है? नहीं पता बेटी, अगर तुम्हें मिल जाता है तो मुझे भी बता देना। Oh, my God.